नारद जी हमेशा उल्लेख करते हैं कि ब्रज की गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। इससे जुड़ी घटना सुनने में आती है कि नारद जी ने एक बार यमुना नदी के तट पर गोपियों को ध्यान में लीन देखा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो नारद जी ने पूछा, हे माँ, आप इतने लंबे समय तक ध्यान में रहीं, क्या श्री कृष्ण आपके ईश्वर हैं? क्या आपका लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त करना है? गोपी ने गुस्से में उत्तर दिया, उसका नाम मेरे सामने मत लो, मैं उसे अपने हृदय से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रही थी। वह बहुत उपद्रवी है, वह मुझे अपने काम नहीं करने देता। वह मेरे हृदय में आता है तो मैं अपना सारा काम भूल जाता। जब मेरी रोटी जल जाती है तो मेरे पति और मेरी सास उस पर क्रोध करते हैं। मैं उसे अपने मन से बाहर निकालना चाहती हूँ। इसको सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, प्रिय माँ, आप परम धन्य हैं। जो परम हंस कई वर्षों से ध्यान में केवल श्री कृष्ण का एक बार दर्शन पाना चाहते हैं, वो उन्हीं के ध्यान में नहीं आते। और आपको देखिए, आप उनसे छुटकारा पाने के लिए ध्यान कर रही हैं। यह केवल ब्रज में ही संभव है, कहीं और नहीं। ब्रज रस और ब्रज रस की महिमा अपरंपार है। तो आशा करते दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।